Hello everyone, I am from EME Technologies. Welcome to our channel. If you haven't subscribed our channel, then please subscribe it. And for more updates, for more videos, please hit the bell icon button. Thank you. ये इनफैक्ट हाईटेक इंडस्ट्री के अंदर की ही पिक्चर्स हैं जहाँ पे विनोद सर इनफैक्ट उनको बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में सर रिकॉल करेंगे आपको कि किस तरह के कंपोनेंट्स हैं ये कुछ मशीनरीज भी यहाँ पे अवेलेबल है इस तरह से जिन कंपोनेंट्स को बिल्डअप करने के लिए ये किस तरह से मशीन पे ऑपरेशन किया जाएगा ये विनोद सर पढ़ाते हुए कि किस तरह से उस चीज पे काम हो रहा है और ये कुछ ग्रुप फोटो विनोद सर के साथ ये किस तरह से उस मशीनरीज पे काम होगा और कंपोनेंट्स ये प्रैक्टिकली हमारे खुद के स्टूडेंट्स मशीनरी पे काम करते हुए कि किस तरह से काम हो रहा है उस पे कंपोनेंट्स है कुछ और तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में सर ये लाखों पे इसको यू ओनली आप एक बार ब्रीफ आउट कर सकते हैं शॉप प्लीज सो हैंड ओवर टू यू प्लीज सर ओके गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग सर ओके वी विल स्टार्ट विद वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट यू आर हियर फॉर अ स्पेशल पर्पस एंड द पर्पस इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ओके एम आई क्लियर यस सर Okay, so anybody can share with me that what's the concept of industrial training? ये जो industrial training का पढ़ा है, ये आपके syllabus में क्यों डाला गया? To train us or long term? हाँ जी. To train us, to give some knowledge about the atmosphere that the integrated engineer should have. Practical knowledge and automatic means to launch us. Okay, good. Anybody? जो आज तक सर अजी पढ़े हैं, आज अपन जो अपन study की था जिसमें एटीट, वो देखा ना कि practical से बंदा की, वो सीखने वास्ते. Okay. Industrial training. Anybody else? Thank you. सभी को एक टिप होना पड़ेगा भैया जी. तो यहाँ पे बापू आसाराम वाला lecture नहीं है, के वाला side चलता रहेगा. I'll ask questions also. Sure. Okay? Deekho, if I am coming and discussing with you, there should be some purpose. I am spending time, sir is spending time, and you are also spending your valuable time. At least at the end of the day, you should learn something. Only then it is fruitful. Otherwise, baatcheet kar li, kapde chadai chal diye, it's of no use. Right? So basically, Whatever you are discussing, कहीं ना कहीं ये जो सिलेबस का आपको 6 महीने की ट्रेनिंग का इट्स अ वेरी क्लियर बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है रीजन क्या है कि आपने किताबों में पढ़ लिया टीचर्स ने पढ़ा दिया बट जो एटमोसफियर एक इंस्टीट्यूट में कॉलेज में चल रहा है और इंडस्ट्री उससे बिल्कुल डिफरेंट है वहाँ पे जो एक बेसिक डिफरेंस है जहां तक मैं समझता हूं वहां पे आप पैसे देते हो और बदले में इनपुट्स लेते हो लेकिन इंडस्ट्री में इंडस्ट्री विल पे यू एंड यू विल पे इनपुट्स बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा सिस्टम चेंज होएगा और इनपुट्स अगर मेरे पास हैं तो मेरी कदर सेटिस्फाइंग इनपुट्स माय एम्प्लॉयर देखो इंडस्ट्री में वन बेसिक पढ़ा है देयर एट द एंड ऑफ द डे जो बिजनेसमैन है ही वांट टू सी के व्हाट इज कमिंग इन माय किटी मेरे को आज दिन सारा दिन जो मैंने एक्सरसाइज किया है मेरे पास आया क्या तो उसके लिए आप भी एक सोर्स हो अर्निंग
is if he is paying you and he want certain returns from you, कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर लेगा कि he is a training, मैं अभी इसको सिखा रहा हूँ for a couple of days, couple of months, but later on he will start expecting कि मेरे को कुछ ना कुछ कमा के दे. If you are satisfying his inputs, his requirements, then he'll be ready to pay. Otherwise, what will happen? Throw out. Simple. They are very blunt. So, what I am sharing with you, कि वो inputs जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए, how to acquire those skills, how to satisfy your employer, and how to understand the culture of the industry, only then you will be able to learn ke maine ko jaake after my completion of my engineering and all that, whenever I am going searching for a job, then what kind of questions will be asked, what are expected from me, then how I'll be able to satisfy my interviewers. Agar main wahan pe justify nahi kar pata, toh my entire effort will be here wasted. एक इंजीनियर बनने के लिए कैन यू स्पेल आउट हाउ मच मनी पेरेंट्स हैव टू पे, कितना पैसा लग जाता है इंजीनियर बनने के लिए रफली? 8-9 लाख जी, 8 लाख लगे, 7-8 लाख रुपये लगे. एंड पेरेंट्स कब तक खर्चते रहेंगे ये पैसे? जब तक आप इंजीनियर बनने. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर इंजीनियरिंग व्हाट दे एक्सपेक्ट? बोलो गुड जॉब, गुड जॉब. नहीं, आजकल तो पेरेंट्स बड़े लिबरल हो गए हैं. पेरेंट्स बच्चों से ज्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं करते, वो मात्र इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हमसे मांगना छोड़ दें. वो दे आर सो लिबरल कि दे एक्सपेक्ट कि हमसे अब मांगे ना, कि मैंने आज अपना मोबाइल चार्ज करवाना है, पेट्रोल चाहिए, मेरे को डे टू डे एक्सपेंस चाहिए, आज मेरे फ्रेंड के साथ पार्टी में जाना, पैसे चाहिए. वो कहते हैं आपको अपना खुद देखना शुरू कर दे, आई एम सेटिस्फाइड, मेरे पास गुजारे के लिए है, लेकिन अब जो मैं मेरे को दे रहा था डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको देता था. राइट, सो वो चीज बड़ी जल्दी शुरू होने वाली है. एंड यू शुड थिंक कोल्डली कि आई एम गियरिंग अप फॉर दैट और नॉट, क्या मैं उस चीज को फेस करने के लिए तैयार हूं? अगर हूँ गुड एनफ, अगर नहीं है तो मेरे को लर्न करना पड़ेगा, वेरी फास्ट लर्निंग करनी पड़ेगी, हाउ टू फेस दैट रियलिटी. उस रियलिटी को जो जिंदगी के सच्चाई मेरे सामने खड़े होने वाली है, उसको मैंने फेस कैसे करना. एंड कैन यू बिलीव दैट जब एक बच्चा इंजीनियरिंग कर गया, उसको जॉब नहीं मिल रही, वो इधर उधर बेचारा भटक रहा है, जब आप इंडस्ट्रीज में जाओगे यू विल लर्न के लोग आपको, आपका जो जो रिज्यूम है वो भी कोई लेने को तैयार नहीं होता. आप इंजीनियर हो, वो यार इंजीनियर नहीं, वैकेंसी नहीं है कोई. आप धूप में बर्फ के मारे इधर उधर घूमते हो एंड नो वन इज ट्रीटिंग यू के भी चलो यार कम से कम अपना रिज्यूम दे जाओ. कोई एचआर हेड आपको अंदर बुला दे कि आओ यार बैठो, देखते हैं कुछ अगर मैं आपके लिए कर सकता हूँ. दे आर सो रूथलेस कि नहीं जी हमारे पास नहीं, वो सच्चाई है. एंड इफ यू आर गुड, गुड लक कि अगर आपका है, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है और आपके पास अब इंटरव्यूज होती हैं, तो वहाँ पे यू विल लर्न के क्या क्या क्वेश्चन पूछे. सो लेट अस स्टार्ट विद ट्रेनिंग ओनली, बिकॉज मैं आपको ज्यादा सीरियस डिस्कशन में नहीं डालना चाहता. अभी आपको ये लर्न करना है कि इंडस्ट्री चलती कैसे, इंडस्ट्री है क्या, इंडस्ट्री क्या मतलब. मैं अगर सपोजिंग बिजनेस कर रहा हूँ, फॉर व्हाट आई एम डूइंग बिजनेस, क्या बता सकते हो? बिजनेस क्यों रन करता है? एट द एंड ऑफ द डे सोचेंगे मेरे को पैसे कितने बनते हैं यार, रोटी पानी खानी है, काम चलाना है, अपनी तनख्वाह देनी है, कितने प्रेशर होते हैं.
जो सर अभी आए थे इज रनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये सिस्टम चल रहा है, लाइट चल रही है, ये जगह का समथिंग हैज टू पे एट द एंड ऑफ द मंथ, ये सारे खर्चे खड़े हो जाएंगे सिर पे आके। किराए वाला किराया मांगेगा, बिजली का बिल आ गया जी, कौशल साहब आए थे जी, उनको आने जाने के लिए देना पड़ा जी, चाय वगैरह पर दे, दैट इज ऑल्सो कॉस्टिंग, एवरीथिंग इज कॉस्ट। अगर आपको पेपर को स्टेपल भी करना है ना, जो स्टेपल पीन है वो कितने की होती है, मुश्किल से 2-4 पैसे की, दैट इज ऑल्सो कॉस्ट, कहां से आएंगे वो पैसे। ओनली देन इफ ही इज अर्निंग समथिंग देन ही विल बी एबल टू अफोर्ड दैट कॉस्ट। अगर वो कुछ बचा ही नहीं पा रहा बेचारा तो कहां से बंद करके घर को चला जाएगा, जैसे कि अक्सर हो रहा है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि सीखना है कि इंडस्ट्री में जब मैं जा रहा हूं तो वो आपको क्या आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, इंडस्ट्री में व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एन एम्प्लॉयर फ्रॉम इंजीनियर। चलो आप एम्प्लॉयर बन जाओ, मैं एक कैंडिडेट बन जाता हूं, थोड़ा रोल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास मैं इंटरव्यू के लिए आता हूं, कहते हैं सर ये मेरा रिज्यूमे, मेरे को जॉब चाहिए, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, अरे भाई नो है सर, हम आपको क्यों जॉब दें। ओके वेरी गुड, ऐसा वो खैर इतने ब्लंट तो नहीं होते, इतना रफ क्वेश्चन नहीं पूछते, इनडायरेक्टली उसका आइडिया यही होगा, उसका जो मतलब होगा वो बड़ी पॉलिश लैंग्वेज में बोलेगा, यार तू मेरे लिए क्या कर सकता है, व्हाई शुड आई हायर यू लाइक दैट, कि व्हाट इज गुड इन यू, आप मेरे लिए क्या कर पाओगे, ताकि फिर मैं थोड़ा कन्विंस हो जाऊं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे से आप पूछो ना, व्हाई शुड आई हायर यू, व्हाट यू विल डू, व्हाट इज गुड इन यू। तो अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो कहेगा यार तू इंजीनियर है, अब मैं इंजीनियर काम नहीं करते यार, एक कॉलेज में जाके बैठ जाते हैं और काम कुम करते नहीं है, पैसे इनको चाहिए, एक बढ़िया सा केबिन चाहिए, उसमें एसी लगा होना चाहिए, उसमें लैपटॉप होना चाहिए, सारा दिन गेम खेलेंगे और फिर महीने के बाद मेरे पैसे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लैपटॉप के ऊपर पिक्चर देखनी और ये देखना वो देखना सब देखा ट्रेड है ना। मेरे को तो ये जो पिछले 10 साल से मेरा सुपरवाइजर है, ये जरा 10वीं पास है, हैं बड़ा अच्छा काम कर रहा है, 15,000 रुपये मैं इसको दे रहा हूँ, वो बड़ा अच्छा काम कर लेता है, आई एम सेटिस्फाइड, व्हाई शुड आई हायर इन। तो यहाँ पे आपका जो इंजीनियरिंग में आपने जो पढ़ा है वो एक रोल शुरू हो जाता है कि व्हाई इंजीनियर बी हायर इन एन इंडस्ट्री। सर जब जॉब मिलना ही नहीं है तो फिर कॉलेज खोलते क्यों है जी, जब इंजीनियर को जॉब मिलना ही नहीं है तो फिर क्यों खोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जॉब्स बहुत है, सर जॉब्स बहुत तो जॉब्स बहुत है, ये इमीडिएटली अभी मैं कहता हूँ, मेरे को हर रोज मैसेज आता है कौशल जी 4 बंदे चाहिए, लुधियाना मेरे पास नहीं है, आप लुधियाना में चले जाओ, आई एम शेयरिंग विद यू हार्ड रियलिटी, यू गो टू लुधियाना यू विल फाइंड बाहर फैक्ट्रियों के बोर्ड लगे होंगे, हमें 10 CNC ऑपरेटर चाहिए, 20 CNC ऑपरेटर चाहिए, मेरे को ये सॉलिड वर्क का बनना चाहिए, ठीक है, मेरे को क्वालिटी इंस्पेक्टर चाहिए, बट सिंस वी डोंट हैव एक्सपीरियंस एंड वी थिंक के हमारे तो काम का नहीं बनता है, हमारे हम कैसे एम्प्लॉयज, वी आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, कोई छोटा काम आप करना नहीं चाहते, बड़ा काम कोई देना नहीं चाहता, दैट्स व्हाई देन यू आर राइट, इंजीनियरिंग होगी ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इंजीनियर है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने अभी बच्चे ने सवाल किया कि इतने इंस्टीट्यूट क्यों खोल रहे हैं, देखो अब इंस्टीट्यूट वालों को तो पैसे मिल रहे हैं भैया, वो तो खुलेंगे खुलेंगे,
जब उनको पैसे देने लोग बंद कर देंगे, बच्चे भेजने बंद कर देंगे, कॉलेज बंद हो ही रहे अभी। और आप देखो कॉलेज मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस आर, इसका देखो मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, देर आर सो मेनी कॉलेजेस दोज हु आर एट द वर्ज ऑफ क्लोजर। रीजन बीइंग बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा और बच्चे डिसहार्टेड है कि यार क्यों इतना पैसा बर्बाद करें, पेरेंट्स नहीं चाहते, बच्चे भी नहीं चाहते। लेकिन जो आप बात कह रहे हो कि मेरे को बड़े बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, अगर आज सिचुएशन ये है, इंजीनियर कहता है जो एक काबिल आदमी है जिसके दिमाग में ये एक फीलिंग है कि मैंने कुछ सीखना है, ठीक है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाता है, यार मेरे को कुछ ना देना तू, मैं सवेरे आऊँगा सिर्फ सीखूंगा, मैं क्या ऐसे नहीं दे रहे ना सीख, मैंने कॉलेज में इतने 4 साल लगा दिए, अगर 2 महीने 3 महीने में आपके पास काम कर लूँगा एटलीस्ट मैं अपने जो लोगों के साथ बैठ के गपशप मारता हूँ उससे तो बचूंगा, आपके पास आके आपको चाय तो पिला दोगे मेरे को, लोगों से बात तो करने दोगे, तो आई विल लर्न समथिंग एट द मोमेंट। अच्छा दूसरा ये जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन इज जो एम्प्लॉयर वो अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि आपको कोई एक्सपीरियंस है, नहीं है जी, हेलो फ्रेशर। दूसरा क्वेश्चन उसका क्या होगा कि आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, हाँ जी की है, तो फ्रेशर कैसे, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने कहां से की, राइट, वेरी सिंपल एंड वेरी जनरल क्वेश्चन, देयर इज नो डाउट कि आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, आपका सर्टिफिकेट आपको कॉलेज ने तभी क्वालिफाइड इंजीनियर बताया जब आपने इंजीनियरिंग की है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है। लेकिन एक बंदा है उसने एक शॉर्टकट अपनाया, मेरे जैसा कोई इन जैसा बंदा ढूंढ के यार एक सर्टिफिकेट सा बनाना था, बता रहा भाई बोल कौन सी कंपनी का चाहिए, मार दे ठप्पा लो पकड़ो, कितने 500 रुपये दे देगा, 200 में देते, 500 में 2000 में, मतलब वाह यार उसके कॉल में बड़ा था, मैं पागल था 6 महीने लगा रहा, मैं 2 महीने में ऐसे 500 रुपये में बनवा के ले आया, घर से पैसे लिए, उसकी मौज मस्ती की, पूरे ट्रेनिंग के पैसे भी ले लिए, बट उस बच्चे को इतना नहीं पता कि जब मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, जो आपकी क्लास में जाऊंगा, मेरे से जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैव यू अंडरगॉन सम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो आई विल से यस, क्योंकि आपने क्या सीखा, देन व्हाट विल बी द आंसर, जिसने रियल ट्रेनिंग किया वो कहेगा हाँ जी मैं गया था इंडस्ट्री में, मैंने सीखा मेटेरियल प्रोक्योर कैसे करते हैं, प्रोक्योरमेंट का एक सिस्टम होता है, ठीक है, ऑर्डर कैसे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, कैसे असेस होता है कि 2 क्विंटल मंगवाना है या 200 क्विंटल मंगवाना है, राइट, कौन सी क्वालिटी का मंगवाना है, मेरे को मटेरियल चाहिए, मेरी उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, पार्टी डिलीवर कितने टाइम में करती है, ये मैंने जाके इंडस्ट्री में सीखा। जब मटेरियल आ जाता है तो फिर उसकी इंस्पेक्शन की जाती है कि वेदर वो हमारी स्पेसिफिकेशंस को मीट कर भी रहा है या नहीं, ऐसा तो नहीं है मैंने मटेरियल आ गया और उसको ठप दिया, और जब वो तैयार हो गए जो सप्लायर के पास गए यार वो ही खराब है, मैंने तो ये ब्रांड मंगवाया था तूने ये दे दिया, देख ली इसमें ये निकल रहे, तो व्हाट विल हैपन, सारे का सारा लॉट रिजेक्ट होके वापस आ जाएगा, राइट, तो ये मैंने सीखा है। जब आ जाता है फिर हमारा एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, जब मटेरियल हम फैक्ट्री में आ गया उसकी इनकमिंग मटेरियल ओके हो गया उसकी क्वालिटी चेक ओके हो गई फिर हम उसको प्रोसेसिंग विद मेरे इंजीनियर का काम शुरू हो जाता है। तो कैसे काम शुरू होता है, मेरी कंपनी में एक प्रोसेस है, प्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है, मशीन 1 ये काम करती है, मशीन 2 ये काम करती है, मशीन 3 ये काम करती है, मशीन 4 ये काम करती है, ऐसे ऐसे चलता है। तो हर मशीन के ऊपर एक क्वालिटी चेक है, जैसे ही वहाँ पे एक कंपोनेंट बनता है जो उस मशीन में इनपुट दी जाती है, क्या प्रोडक्शन होती है, वैसे प्रोडक्शन इसको सिंपल भाषा में कैसे बोलते हैं, कन्वर्जन और रॉ मटेरियल के इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट आउटपुट, आपने यू डिड समथिंग इन एंड व्हाट इज कमिंग आउट दैट इज द प्रोडक्शन, सेमी और फिनिश दैट इज डिफरेंट, बट मशीन में इनपुट दी प्रोसेस हुआ और आउटपुट निकला, यही सिंपल है, मैकेनिकल इंजीनियर ने यही करना होता है ना, इनपुट उसको मटेरियल बना बनाया मिल गया, उसने मशीन की प्रोसेस को आपने कंट्रोल करना है, प्रोसेस आपके कंट्रोल में है
देन जो फाइनल प्रोडक्ट निकला उसकी आपको स्पेसिफिकेशन मीट करके देना, दैट इज द जॉब ऑफ एन मैकेनिकल इंजीनियर। उस प्रोसेस को उसने विद इन कंट्रोल रखना है, प्लस माइनस एक मार्जिन होता है उसको लेके चलना है, बट विद इन दैट अगर आप कर रहे हो तो यू आर ए बेस्ट। अगर उसमें डेविएशन आ रही है, वेरिएशन आ रही है, देन यू आर वर्स, बिकॉज मटेरियल आपके स्पेसिफिकेशन मीट नहीं कर पाएगा एंड इट विल बी रिजेक्टेड एंड इट विल ऐड टू योर कॉस्ट, इट विल ऐड टू नंबर ऑफ रीजंस कि जिसके आपको ट्रबल हो सकती है, तो वो आपको करना है। तो आपको जब ये पता चल गया कि देखो मेरे पास मटेरियल आता है, ये मेरी मशीन वन पे, मशीन टू पे, मशीन थ्री पे, मशीन फोर पे काम हुआ एंड फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास आ गया, मैंने शाम को मेरी जो मशीन की एक एफिशिएंसी होती है कितनी एफिशिएंसी पे चलती है, आई नो कि मैं अगर मेरी सारी कंपनी 8 घंटे काम करती है, बाय द एंड ऑफ द डे 8 आवर्स के बाद दिस विल बी माई आउटपुट, ठीक है। तो उसको मैंने क्वालिटी में भेज दिया, क्वालिटी ओके कर दिया और मटेरियल जो है डिस्पैच के लिए तैयार हो। दिस इज व्हाट इज इंडस्ट्री, कोई बहुत बड़ा इसमें हुआ नहीं है। समझ जाओगे तो 2 लाइनों में समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो इट्स ए हेल ऑफ अ जॉब, लेकिन समझेगा कौन, कौन समझेगा, कितना बड़ा सिंपल है जी। तो वही समझेगा जिसने प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में जाके उन चीजों को देखा। अगर 200 रुपए वाला 500 रुपए वाला सर्टिफिकेट चल रहा है तो ही विल नॉट बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। अगर वो देख रहा है कि इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है तो बहुत बड़ा है। देन आपको यू आर इन ए पोजिशन टू सेटिस्फाई दैट मैन हु इज इंटरव्यूइंग यू, एट द सेम टाइम मेरे पास एक सुपरवाइजर बैठा है वो जस्ट मेनली मैट्रिकुलेट और अंडर मैट्रिक एंड ऑल दैट, बड़ा अच्छा काम करते हैं, आप आओगे आप बताओगे वो क्या करते हो। नो योर रोल एज एन इंजीनियर स्टार्ट्स, हाउ टू कन्विंस दैट मैन कि ओके आई एम एन इंजीनियर, हाउ आई विल बी बेटर देन दैट मैन, बता सकते हो भाई। एक इंजीनियर जो है एक लेमैन जो उसके बाद 20 साल से काम कर रहा है इज गुड इन प्रोडक्शन, ठीक है। अब आपको उसको सेटिस्फाई करना है कि आई विल बी बेटर देन दिस मैन, कैसे करो। नाउ योर एजुकेशन कम इनटू पिक्चर, जो आपने इंस्टीट्यूट में किया है, सीखा है, आपके टीचर्स ने आपको बताया, आपने कोशिश की है, नाउ उसका रोल शुरू हो जाता है। हाउ यू विल सेटिस्फाई, इट्स वेरी क्रूशियल। अगर आप यहां पे आके उसको सेटिस्फाई कर देते हो, ही वुड लव टू कॉल यू, क्या हाल है यार, आप तो कहां छुपे बैठे थे, वो मैं उनका आंसर दे रहा हूं कि जॉब नहीं है, जॉब है बेटे। लेकिन अब जैसे यहां बातचीत हो रही है, कई चीजें आपको लगेंगी वाकई सर ने हमारे साथ शेयर किया, मैं नहीं पता थी। Once you learn, तब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, then you'll be able to answer, तो उसके लिए जॉब्स है। जॉब तो क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है नहीं? मैं को चलो other than that, आप ये देखेंगे मार्केटिंग कैसे होती है, आपको अपनी मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग क्या, मैं एक अवेलेबल पर्सन हूं, मेरे को बताना कि मेरे में ये क्वालिटी है, मेरे को रख लो, अपनी अपनी मार्केटिंग खुद करनी है। अब आप मॉल्स में जाते हो, जब कोई चीज मार्केट में लॉन्च की जाती है क्या करते हैं लोग, है जी, एडवर्टाइजमेंट करते हैं और है जी, ये चीजें तो आप डेली देखते हो मार्केट में, बहुत से लोग खड़े हैं, अच्छी अच्छी सुंदर लड़कियां करा देंगे, अपना जो कोल्ड ड्रिंक है वो बिठा देंगे, लेके ये जी पियो जी इतना सा दे देंगे, देखो टेस्ट करके देखो जी, व्हाट आर दे डूइंग, मार्केटिंग, दे आर डूइंग क्रिएटिंग मार्केटिंग, लोगों में आपका टेस्ट डेवलप हो। तो इसी तरह आपने भी एज एन इंजीनियर लोगों में अपना टेस्ट डेवलप करना, कैसे हो वो मैं आपको, वो जादू की पुड़ी जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ।
कि आपको उसको बताना है कि सर ओके आई अप्रिशिएट दिस मैन इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, मैं आप एक इंजीनियर के नाते कैसे आपके लिए बेटर हो सकता हूँ कि लेट अस से कि सर आपको मान लो न्यूज़पेपर में एक कोटेशन आ कि एक कंपनी को जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो 2 लाख कंपोनेंट्स की जरूरत है, ठीक है 2 लाख कंपोनेंट्स की जरूरत है। अब आप बिजनेसमैन हो, आप अपने बंदे को बुलाते हो जो लेमैन है जिस 10वीं 12वीं पढ़ा है, तो वही 2 लाख पीस बना रहे हैं, बोल कितना रेट लेंगे कोटेशन में, उसकी एक असेसमेंट है कैलकुलेट किया 65 रुपए ले लो जी, अगर ठीक है अलग अलग 5 और ऐड कर देते हैं कुछ गड़बड़ किया इसने और 70 रुपए कोट कर दिए या आपने 70 रुपए कोट कर दिए। अब यही सवाल अगर आपने मेरे से पूछा होता मैं अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाता, मैं देखता कि आपके मेटेरियल कॉस्ट कितनी है, हाउ मच मनी यू विल इन्वेस्ट, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, ठीक है मेरी लेबर कॉस्ट कितनी पड़ेगी, इसमें इलेक्ट्रिकल कॉस्ट कितनी, सारी चीजें इनपुट लेके मैं अपने डाटा में फीड कर देता और कितने मैंने पीस बनाने हैं कितना टाइम लगेगा, मैं आपको हो सकता है जो उसने 65 रुपए बताया मैं आपको बोलता जी 52 रुपए 53 पैसे कॉस्ट निकलेगी इसकी और ये मेरी इनपुट्स हैं, चाहे मैं आपकी कंपनी में काम करूं या ना करूं लेकिन ये इनपुट्स इंटैक्ट रहेंगे, ये आपको मैंने पेपर पढ़ा दिया हाथ में, इसमें 1-2 पैसे का इधर उधर हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं 65 रुपए वाला पूरा आई एम नॉट एक्सेप्ट बिकॉज़ आई एम क्वालिफाइड इंजीनियर, मैं जो आपको दूंगा वो 50 रुपए लकीर होगी, ऐसे नहीं कि लेमैन की तरह टोटो दिया गया जो 65 रुपए कर दो, दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग माय सेल्फ इंजीनियर बिकॉज़ मैं मेरे को प्रॉपर फैशन में ट्रेंड किया गया, मैं साइंटिफिक वे से काम करने का आदी हूं, मैं ऐसे नहीं आपको जवाब दूंगा, मैं मेरे को टाइम चाहिए इनपुट चाहिए, कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगा कुछ चीजें मैं जाके शॉप फ्लोर पे पता करूंगा, ठीक है देन आई विल बी एबल टू गिव यू राइट आंसर, दैट्स हाउ माय इंजीनियरिंग कम टू पिक्चर, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग माय सेल्फ एज एन इंजीनियर, मेरा लेमैन नहीं है मेरे को तुक्काबाजी नहीं है, राइट आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर, अगर ये आंसर एक एम्प्लॉयर को आप देते हो तो कैसा महसूस करेगा यार बंदे के पल्ले कुछ है, जरूरत तो नहीं है ट्राई करके देख लो, तो आपको फैक्ट्री में पांव रखने की जगह मिल गई, बस ये ट्रिगर होता है स्पार्क होता है, आप में स्पार्क है आप सभी लोग बिकॉज देखो नॉर्मल बच्चा है अच्छा भला है देखने में स्मार्ट है और ये जो एज होती है इसमें बंदे में पोटेंशियल बहुत होता है, द ओनली थिंग इज अगर कोई की लैकिंग है या तो आपको कॉलेज की तरफ से या कहीं ना कहीं मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी कॉलेज एट ऑल दैट कहीं ना कहीं आपको इग्नाइट नहीं कर पा रहा, पेट्रोल का ये पड़ा है पूरा भंडार पड़ा है क्या वो जल जाता है आग लगती है उसको, उसको आग लगने के लिए क्या चाहिए तो इतनी सी चिंगारी जो है पूरा बोल्डर बना, तो पेट्रोल आपके पास है थोड़ा सा इग्नाइट करने के लिए, आपके पास बहुत पोटेंशियल है, आई नो कि यू आर मच इंटेलिजेंट देन मी, मैं आपको अगर अपना मोबाइल दे दूंगा मेरे को 50 चीजें बता दोगे कि सर इसमें ये भी होता है इसमें भी यार अच्छा ऐसे भी होता है, मैं तो यार इसको मोबाइल को कॉल सुनने के लिए और कॉल करने के लिए यूज करता हूँ, तो व्हाट्सएप देख लेता हूँ फेसबुक पे थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, इससे ज्यादा मेरे को पता ही नहीं है, तो नहीं जी नहीं आप गाना गाओ म्यूजिक पीछे से आ जाएगा, म्यूजिक बना बना आएगा, आपने सिर्फ बोलना ही है आपको म्यूजिक बना बना देगा, इसमें ये भी फैसिलिटी है इसमें वो भी फैसिलिटी है इसमें ये भी इसमें भी आप इसमें मूवी बना सकते हो इसमें आप स्टिल फोटोग्राफी कर सकते हो इसमें ये कर सकते हो, यू नो मच बेटर देन मी बिकॉज यू आर फैमिलियर विद दोस सिस्टम्स, तो इंटेलिजेंसी और पोटेंशियल की आप में कभी नहीं है, द ओनली थिंग इज कि आज आपका जो बिहेवियर है हमें घर से भी जहां जहां हमारे कनेक्शन है हमें शॉर्टकट रास्ते से चलने की आदत,
और वो जो शॉर्टकट है आपको बड़ी बुरी तरह से ग्रस्त कर रहा, दिमाग के ऊपर इतना हावी है तो यार ऐसे बनता है ना, करो चल जाएगा काम, लेकिन यू डोंट नो कि इसका मेरे को फर्दर नुकसान क्या, बिकॉज बचपन है इतनी विजन नहीं आता, ठीक है। तो वो चीजें थोड़ा सा मैंने आपको जस्ट दो पॉइंट ही बताए हैं, ज्यादा मैं आपको हैवी डोज नहीं देना चाहता, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट इंट्रैक्शन इंडस्ट्री में जाके आपको यू लर्न सो मेनी थिंग्स। अब जैसे ये सीएनसी मशीन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लुधियाने में आज भी आप चले जाओ, आप इंडस्ट्री एरिया में घूमो, यू विल फाइंड उन्होंने बाहर, लुधियाना का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है फैक्ट्रियों में काम करने का ना, वो बाहर ही लिख के लगा रहा है, और सीएनसी ऑपरेटर को कितने पैसे देते हैं, कोई 8,000-10,000, ठीक है। आपको लगेगा आज मैं अगर कोई इंजीनियर मेरे पास जब इंटरव्यू के लिए आते हैं ना, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं अक्सर ऐसा कोशिश करता था कि मेरे पास जब गेट से कोई फोन आता है, जैसे अगर बाहर कोई बच्चा है इंटरव्यू के लिए आया है, तो मैं उसको अंदर भेज दिया, कोई बात इसलिए नहीं कि मैं उसको कोई जॉब देने वाला, बस आई जस्ट मैं भी उसे कुछ लर्न करूँगा और वो भी मेरे से कुछ ना कुछ सीख के देगा, एंड नॉट ओनली इफ आई हैव टाइम, आई ऑलवेज इनवाइट हिम। तो मैं बड़े क्या लर्न करता हूँ, मैं तो बेटे अपना रिज्यूम देता हूँ, रिज्यूम जी वो बटन बोलता है ऐसे कहाँ से खोल के और सीने से भीगा हुआ रिज्यूम मेरे सामने, व्हाट इज लर्निंग फॉर मी, देखो यार ये बच्चा इतना केयरलेस है, ये रिज्यूम में इसने अपने 4 साल की मेहनत का ब्यौरा दिया हुआ और उसको रखा कहाँ पे। फिर अगर थोड़ा संभाल के रखा है, वो इतना प्रिंट उसने हुआ है, हल्के हल्का प्रिंट हुआ है, वो नाम ही नहीं पढ़ा जाता प्रिंसिपाल सिंह है या प्रिंसिपाल सिंह है, इसका डेट ऑफ बर्थ 54 है या 64 है कुछ नहीं, बिकॉज उसने पेपर तो ले लिया बट उसने कभी इसको एग्जामिन ही नहीं किया कि यार किसी के पास जाएगा, उसने पढ़ना भी है, पढ़ा भी जाएगा या नहीं। तो ये क्या ये चीजें मतलब सीखने वाली है, एक बच्चा है वो मेरे को लर्निंग क्या हो रही है, मेरे एक बच्चे को बुलाया नहीं गया बेटे बोलो क्या बात कैसे आए सर जॉब में, हाँ दिखाओगे अपना, वो एक फोल्डर लेके आता है, फोल्डर मेरे सामने सर्टिफिकेट्स है, उसने पहले 10th कब किया, 10+2 कब किया, डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग की, कोई उसने पार्टिसिपेशन की, वो सारे। तो व्हाट इज द इंडिकेशन, उसकी एक इंटरव्यू मेरे दिमाग में चलनी शुरू हो गई है कि अगर ये बच्चा अपने डॉक्यूमेंट्स को इतने प्यारे तरीके से हैंडल कर सकता है, मेरी कंपनी के काम को भी इसी तरीके से हैंडल करेगा, इट्स ए प्लस पॉइंट, गिव हिम चांस। अगर वो ऐसे कि यार जिसने ये अपने 4 साल की मेहनत को ऐसे छुपा के रखा हुआ है और ये मेरे यहाँ आगे भी कोड़े गए हैं, तो चलो तो मैं बेटे आपको यही कहना चाहता हूँ कि टेक योर करियर सीरियस, बातें बड़ी छोटी छोटी होती हैं लेकिन उसका जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत सीरियस होता है। ट्राई टू इमेजिन, थोड़ा सा अपने अंदर ना सीरियसनेस लेके आओ, डोंट टेक लाइफ लाइटली, थोड़ा सा कहीं ना कहीं भी ना बड़ा मस्ती कर लिया 4 साल कॉलेज में खूब मस्ती की, नो टाइम इज कमिंग वेरी नियरर, देन आई शुड बी वेरी सीरियस अबाउट माई करियर। कितनी देर पेरेंट्स बेचारे मेरे भी पैसा खर्च देंगे, कितनी देर में उनसे पैसे मांगता हूँ, नाउ इट इज सफिशिएंट, आई एम ग्रोन अप नाउ, आई एम हैंडसम, आई एम फिजिकली फिट, नाउ आई वांट सम जॉब, जॉब में मेरे को क्या चाहिए होगा, मार्केट में जब मैं जाऊंगा जॉब की तलाश में लोग मेरे से क्या पूछेंगे, हाउ आई विल बी एबल टू सेटिस्फाई देम, वंस एक जगह पे बैठ के देन इट इज योर पोटेंशियल, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, वहां लोगों को बहुत से हमने देखा है कई बार ऐसे ऐसे इंजीनियर्स जो गोल्ड मेडलिस्ट है जी, टॉपर है जी, 6 महीने बाद चलता हुआ वो अपने आप को इंडस्ट्री के अंदर कोप अप नहीं कर पाया, एक वैसे बेचारा थर्ड क्लास का बंदा है वो इतना बढ़िया काम करता है
उसको बोलोगे यार ये काम कर रहे हैं तो मौजूद हो जाएगा जी। हम लोग को अपनी टीम को बोलता है यार देखो ये अपने काम करके देना हो जाएगा सर। उन्हें लोगों से इतना अपना एक लगन बना रखा है, इतनी उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे उसकी बात को समझते हैं, उसकी जो टीम के मेम्बर हैं कि सर ने इतना बोल दिया तो ये कर देना। टॉपर फर्स्ट क्लास दिस दैट कोई चीज नहीं चलती वहां पे, आपकी स्किल चलती है। हाउ यू मोटिवेट योर टीम, हाउ यू मिक्स अप विद देम, हाउ यू पुश देम हार्ड के जो काम करता है उनको आप कैसे एजुकेट करते हो, ये चीजें बेसिकली आ जाती हैं थोड़ा बहुत। लेकिन शॉप फ्लोर पे थोड़ी दिक्कत ये भी आ जाती है जो मैं अक्सर महसूस करता हूँ, वहां पे जब हम किसी फ्रेश इंजीनियर को जाते हैं ना तो जो नीचे वाली टीम है आपका फोरमैन सुपरवाइजर या नीचे आ गया यार ये हमसे सीख के ना हमारे अफसर बन के बैठ जाएगा क्योंकि ये इंजीनियर है तो दरगो सिखाओ कुछ। मैं आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। कितना टाइम में अपने को शुरू है? 35 मिनट। मैं एक बार यमुना इंजीनियरिंग कॉलेज है यमुना नगर, तो वहां से विद सेम के यार नौजवान बच्चे इनको रोजगार देते काम देते बिल्कुल घूमते रहते और मेरे ऊपर प्रेशर था कि मेरे को फैक्ट्री के अंदर 2 प्लांटों में 20-30 बंदों को देना था। अब देखिए मैं एज ए नेचर पर्सन अगर मैं बाहर से किसी लेबर को हायर करता हूँ ना, कैन यू टेल मी दैट व्हाट द कॉस्ट ऑफ ए सिंपल लेबर इन द मार्केट? और वो बंदा कहते हैं 9 बजे आऊंगा, 5 बजे घड़े नहीं टपने देनी मैंने, मैंने बात सुना 1 घंटे का लंच करूंगा, चाय के टाइम चाय पीऊंगा, अपनी टर्म्स डिक्टेट करता है वो। और शाम को फैक्ट्री से जाने से पहले मेरे हाथ में पैसे रखते ना, राइट? तो दैट वाज द कंडीशन। तो मैंने थोड़ा सा विद दिस सेम के बच्चे जॉब के लिए यार डिप्लोमा ऑर्डर्स घूमते रहते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती और जो मेरे को बंदे चाहिए वो शॉप फ्लोर के ऊपर मैं बाहर से हायर करता हूँ, आई एम पेइंग हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी। तो यमुना नगर में एक कॉलेज में एक जॉब फेयर था, दे इन्वाइटेड मी देयर, तो मैंने चेयरमैन थी मैडम उनसे बैठा, मैंने बात की, मेरे को इतने बच्चे थे मैंने 25 बच्चे उठाए, 25 बच्चों को मैंने कहा देखो मेरे पास मेरा गेस्ट हाउस है वहाँ पे रहने के लिए जगह आपको दे देंगे, आपको खाने पीने का डेली जितने दिन आप फैक्ट्री में होंगे आपको 150 रुपीज में आपको आपके खाने पीने के दूंगा, सवेरे नाश्ता का दोपहर का। और लेकिन इस दौरान ये आपका 3 महीने चलेगा, आफ्टरवर्ड्स आपको मैं 8-9 हजार रुपया 10 हजार रुपया दे दूंगा, 3 महीने आपने सीखना है तो ठीक है। बच्चों को इनपुट्स दी कि आपने सीखना क्या है, सिंस यू आर डिप्लोमा होल्डर आपको कॉस्ट पे काम करना है, आपको वेस्टेज पे काम करना है, आपको ये करना है, आपको वे करना है और रूटीन में काम भी करना है। विद इन 5 डेज 5 बंदे छोड़ के भाग गए, क्यों भाई? वो जी जो काम दिया है जी वो तो जी वहाँ पे लड़का जो मेरे साथ बैठा है वो तो अंडर मैट्रिक है जी, मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ जी, वो जो लड़की बैठी थी मेरे साथ वो तो बिल्कुल ही अनपढ़ है जी, मैं उसके साथ बैठ के काम कर रहा हूँ जी, मेरे को बड़ी शर्म आती है जी, वो लड़की मेरे को कहती है तुम तो डिप्लोमा करके मेरे साथ बैठा पहला क्या बोलते डिप्लोमा का। तो मैंने उनकी काउंसलिंग करनी डेली, एक एक दो दो घंटा उनके पास बैठ ला के पीछे तेरे को मैं स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूँ, भागना तो तूने इनसे आगे निकला तो इनका बॉस बनेगा, इस डिपार्टमेंट का हेड बनाऊंगा तेरे को मैं, तो सीख तो सही। लेकिन विद इन 1 मंथ मैंने पहले अपने चेयरमैन को कन्विंस किया, चेयरमैन बेचारा शरीफ था मान गया मेरी बात को कि ले लो यार बंदे ले लो, अगर 450-150 रुपये पर डे पे बंदा मिल जाएगा कि जगह पे 400 रुपये मिल रहा है, लगा लो, कहता है यार ठीक है लगा लो, ठीक है।
अब सीखने वाला बंदा बच्चा देखो कहाँ रोजगार के लिए इधर उधर भाग रहा है, मैं उसको रहने के लिए जगह दे रहा हूँ, खाने पीने का सामान दे रहा हूँ कि भैया तू सीख, काम भी सीख और तेरे को मैं बहुत ज्यादा नहीं, और अदरवाइज मैनेजमेंट को मैं कैसे कन्विंस करूँ, थोड़ा लालच तो देना पड़ेगा ना। मेरे एचआर का रोल तो ये कि मैं बंदे को भी रोजगार दूँ और अपनी मैनेजमेंट को भी सेटिस्फाई करूँ और बच्चा सीखे काम करे, लेकिन सीखने वाला सीख ही नहीं रहा। विद इन वन मंथ 25 के 25 आप कहते रोजगार नहीं है, रोजगार है, लोग करने को तैयार नहीं। मैंने बड़े एक्सपेरिमेंट किए, अल्टीमेटली ले देखे आता है कि बच्चा कोई सफर करना चाहता ही नहीं। क्यों? उसका कुछ रीजन है कि आपको आज ऑलमोस्ट सभी परिवार बड़े कंफर्टेबल है, बच्चों को सख्त मेहनत करने की आदत घटती जा रही है, कॉलेज में मस्ती है, आप जाओगे तो ठीक है, नहीं जाओगे तो ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं आता ना, बच्चे पढ़ने को तैयार ही नहीं है, वो बेचारे को अटेंडेंस लगा देते हैं, उनको महीने बाद तनख्वाह मिल जानी है, आप बस तो यार टीचर तो बहुत अच्छा है जो कुछ कहते ही नहीं है, अरे कहता नहीं है, आपको बर्बाद कर, आप खुद बर्बाद। और जब बच्चों को इंडस्ट्री में जाके रियलिटी फेस करनी पड़ती है वो घबरा जाते हैं। दिस हैपेंड विद मी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमबीए किया, देन आई वाज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी, मेरे को सवेरे 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कुर्सी पे बैठना ये दर्द कर, आदत नहीं है बैठने की, 2 घंटे बैठना, फिर चाय के लिए निकल जाओ, चलो वॉशरूम के लिए निकल जाओ, फिर बेड़ा कूड़ा लगा के आना, और मेरा बॉस देखने लगे चालू है कि हर 2 घंटे के बाद ना उठ के चला जाता, बैठता नहीं, आदत नहीं। तो मैं तो शायद आपसे कम बिगड़ा हुआ था, आप तो मेरे से भी ज़्यादा बिगड़े हुए, क्योंकि हमारे टाइम में और आपके टाइम में नॉट ऑफ डिफरेंस। तो आपको रियलिटी को सामने लिखा हुआ रिटन ऑन द वॉल कि टफ लाइफ इज गोइंग टू स्टार्ट, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ये जो थोड़ा सा टाइम है, एक बार आपको किसी इंडस्ट्री में पैर रखने का टाइम मिल गया, मिल जाएगा, बट यू विल हैव टू जस्टिफाई इट, राइट? तो अगर वो बन जाती है बात तो नथिंग लाइक इट। मैं आई स्टॉप हियर विद दिस स्मॉल इंट्रोडक्शन। कुछ आपको फीलिंग हो रही है कि something is missing in a way, थोड़ा सा इग्निशन मिल रहा है कुछ? स्टार्ट हो रहा है। ऐसे इंटरेक्शन कॉलेजेस में करते हैं लोग या नहीं? नहीं, बस। एनीवे, तो हाईटेक में जैसे ये प्रोडक्ट होता है, ये नेल्स होती है, यहाँ पे हम बनाते हैं इंडियन रेलवे के लिए मटेरियल बनाते हैं, ठीक है? जैसे रेलवे की लाइन होती है, उसकी अलाइनमेंट को जब गाड़ी निकलती है उसके बाद प्रेशर होता है पूरा लाइन को, तो उस प्रेशर को बियर करने के लिए वो नेलिंग की जाती है उसकी, ताकि लाइन जो है वो प्रेशर को रो थोड़ा ऊपर नीचे तो हो जाएगी लेकिन इधर उधर नहीं है, उसको प्रॉपर नेलिंग करती है। वो जो नेल है, नेल हम जैसे घर में मेक बोलते हैं ना, वो भी थोड़ी बड़ी किस्म की होती है, डिगिंग होती है उसकी, तो वो नेलिंग जो है यहाँ हाईटेक में बनती है, ठीक है, नेल लगाते हैं। अब इसमें हो सकता है इंडस्ट्री, तो खैर देखो मैं टू बी वेरी फेयर, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहता कि आपको वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें दिखेंगे, ये दिखेगा वो दिखेगा, लेकिन हमें उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्या है कि जो SHO होता है ना, चाहे वो चंडीगढ़ के 17 सेक्टर का हो, चाहे वो 45 सेक्टर के छोटी सी कॉलोनी का हो, SHO होता है, ठीक है? आपको इंडस्ट्री में PTL में मैं करवा दूंगा जी, मैं आपको वहां पे करवा दूंगा, किसी को पास से भी नहीं निकलने देते। रीजन उनके अपने स्टैंडर्ड है, क्योंकि अगर वो 10 बंदों की जरूरत होती है उनके पास 2000 डॉलर पहुंच जाता है,
तो 10 बंदे जो सुभाषी स्पोर्ट्स जो थे होते हैं बाकी छोड़ो। फिर अंपायर ये कहता है कि मेरे को यार इन चीजों से क्या लेना देना, मैं अपना प्रोडक्ट बना रहा हूँ, बच्चे आएंगे मेरी मशीनों को छेड़ेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, भाई छोटा इंटरफेरेंस, उसको नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं, इज अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑल टुगेदर। लेकिन हमें थोड़ा सा उनको कन्विंस करना पड़ता है, बताना पड़ता है, चलो जरा आपके बच्चों जैसे हैं कुछ सीख लेंगे, कहीं जाके काम करने जोगे हो जाएंगे, वो थोड़ा सा कोई बार कन्विंस हो जाता है, कई बार नहीं भी होता, जो लोग नहीं कन्विंस होता फिर वी डोंट टॉक टू देम, कि इसका बेट ऑफ माइंड ही नहीं है। छोटी इंडस्ट्री वाला कहीं ना किसी इन्फ्लुएंस में आ जाता है, वो थोड़ा कहते हैं कि चलो यार मेरा फिर मैसेज है, आप बच्चों को सिखा दो केमिकल प्रिक्योरमेंट का प्रोसीजर क्या है, कटिंग कैसे होती है, भट्टी में कैसे जाता है, इसको फिर आफ्टर इसका जो ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या, व्हाट आर द स्टेजेस। तो जब आपको समझ आ गया, आपको प्रोसेस मतलब ये दिस इज प्रोसेस, प्रोसेस चाहे आपको ट्रैक्टर पार्ट का ले लो, वहाँ भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स ही बनते, फिर उनको असेंबल बना के ट्रैक्टर बना दिया जाता है। स्कूटर कंपनी में जाओगे वहाँ भी आपको प्रोसेस के बारे में, इतने से प्रोसेस के बारे में ही बताया जाता है। आप मारुति में भी चल जाओ, मारुति भी कुछ नहीं करती, आप सारा अपने वेंडर से मटेरियल बनवाती है और उसको असेंबल करके कार आपके सामने रख देती है, दे आर डूइंग नथिंग, सिंपली उनका असेंबली सिस्टम है। उन्होंने वेंडर से वेंडर की सिलेक्शन कैसे करनी है, वेंडर से मटेरियल कैसे, क्या टाइमिंग है, क्या रेट्स हैं, एवरीथिंग इज सेटल्ड, इट्स इन ब्लैक एंड वाइट, दे गेट इट एंड दे असेंबल इट और सेल। कोई भी कंपनी इन चीज़ों में मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा नहीं पड़ती। तो सिमिलरली इंडियन रेलवे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज, वो इन्होंने छोटा सा उनको प्रोडक्ट दे रखा है, यहाँ से बुलाते हैं वो और वो उनको भेज देते हैं, इसका पर पीस रेट रखा हुआ है, उसमें मालिक को पता है कि मेरी इतनी कॉस्ट आएगी, इतना मेरा पर पीस बना, शाम को बैठ देंगे कितने पीस बनवाई 300, उन्हें दिमाग में 10 रुपये बच रहे हैं पर पीस, ठीक है 3000 बन गए, साल 3000 लाभ, 7 रुपये बैठे बैठे दिस इज हाउ वी कैलकुलेट, ठीक है। अगर वो 275 रह गए तो उसने डंडा उठा लेना है, क्यों भैया 275 रुपये, जब 310 बन गए तो शाबाशी दे देंगे, शाम को चाय खिला रहेगा, मट्ठी खिला रहेगा, किसी को 200 रुपये इनाम दे देगा, नहीं तो कोई ऐसे फेंक लेते हैं बन गए बन गए। बट एक गुड एम्प्लॉयर इंजीनियरिंग के लिए आप लोगों के लिए, बिकॉज अगर आप की टीम आपको प्रोडक्ट अच्छा बना के दे रही है, देन यू शुड अप्रिशिएट देम आल्सो, कल को 320 भी बनाएंगे, अगर 310 पे उनको रिवार्ड नहीं मिल रहा तो वे छोड़ यार क्या फायदा है, अपना टारगेट 200-300 में ना 300 बनाओ, क्यों मस्ती मारो पैसे के, दैट्स हाउ इंजीनियरिंग कम टू पिक्चर। आप लोगों को वर्कर की साइकोलॉजी को समझना होता है, उसको मोटिवेट कैसे करना है, दीज आर ऑल थिंग्स। Now, I would like to ask you a simple question. If you are asking, if you want to question me, to ask any question, I would be happy that I would be able to answer. Pucho? Anybody? बी फ्री, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं वो डांट दूंगा बैठ जा क्यों ऐसा क्यों पूछ लिया, डोंट फील शाय, जो दिमाग में आता है ठीक गलत कुछ नहीं पूछो, बट पूछो, जब तक आप इतने भोकल हो गए पूछने की हिम्मत नहीं करोगे, इतने ना एक सुनो, एक हम लोग ट्रेनिंग में कहते हैं कि या तो 2 मिनट के लिए बेवकूफ बन जाओ या सारी जिंदगी के लिए बेवकूफ बने रहो। व्हाई वी आस्क दिस क्वेश्चन, कि कई बार बच्चे को लगता है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा पता नहीं लोग हंसेंगे तो नहीं, मेरे को बेवकूफ न बनाने, कितनी देर का प्रोसेस होता है 2 मिनट का, 2 मिनट मेरे को, अगर मेरा क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत भी है तो 2 मिनट के लिए ना, अगर मैं वो नहीं पूछता वो सारी जिंदगी मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क की तरह ही बैठा रहा, मैं सारी जिंदगी बेवकूफी बना लूंगा, मैं पूछूंगा नहीं डरूंगा और वो क्वेश्चन मार्क ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। तो बेटर यू शुड आस्क, फील फ्री, और मैं भी बहुत ज़्यादा
ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हाई फाइव आदमी हूँ, कोई एक्सपर्ट हूँ अपने एरिया में, जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन, I'm just like your parents, then I would love to answer. You are just like my son. बोलिए। सर जॉब के लिए एक्सपीरियंस मांगते हैं। हाँ जी। तो जैसे ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं हमारे पास एक्सपीरियंस तो होता नहीं सर, फिर भी वही पूछते हैं एक्सपीरियंस है कि नहीं, एक्सपीरियंस बंदे को हम जॉब देंगे, जबकि वो मानते हुए एक्सपीरियंस बंदे को ही है, जब तक हमें जॉब मिलेगा नहीं तब तक एक्सपीरियंस कैसे बनेंगे हम, जब हमें जॉब मिलेगा जॉब। तो देखो उसका एक आंसर तो ये है कि सर के हमें एक्सपीरियंस की जो जहाँ तक बात है, मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मतलब ही एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, एक्सपीरियंस जो अदरवाइज देन व्हाट्स द फन ऑफ गोइंग दिस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो इट इज अप टू यू, आप कहते हो नहीं जी मेरे को वही सेटिस्फाइड हो गया, तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, वाई शुड आई हैव यू, इफ यू से के सर मैंने 6 महीने ट्रेनिंग की है, एंड ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग आप बोलो क्वालिटी के बारे में पूछो मेरे से, प्रोसेस के बारे में बात करो, आई विल आंसर यू, मैंने 6 महीने में यही कुछ तो सीखा है, देन हाउ यू कैन से यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, यू आर व्हाट यू डोंट नो, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं है, आपके अंदर वो ऐसी फीलिंग ही नहीं है कि मैंने, क्योंकि इंडस्ट्री में आप कभी गए नहीं, आपको पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री में गेट वाला भी पहले पूछता है कि भाई क्या करने आए हो, किसको मिलना है, वो पहले फोन करेगा जिसके मिलना है उसे फोन के चेक करेगा कि ये बंदा आया उसे मिलना है या नहीं मिलना, नहीं जी मैंने बुलाया नहीं, तो ये चीजें देखो जाके जब आप जाते हो ना इंडस्ट्री में बड़ा अजीब माहौल होता है, इंडस्ट्री इज एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ एटमोसफेयर प्रिवेलिंग ओवर देयर, यू विल फील केयर, कहाँ मतलब आपको मान लो सुबह 9 बजे से लेके शाम को आने का कोई टाइम नहीं है, ऐसे माहौल में छोड़ दिया जाए आप कितना शुरू शुरू में तिल मिलाओगे, फीलिंग होगी ना ये अंदर तो कार्ड वगैरह पंच हो गया, पंच पे लग गया, अब जाने का जब तक रूटर नहीं बनेगा तब तक, वो भी ऑफिशियली अनऑफिशियली वो कहेगा नहीं है अपना काम कंप्लीट कर गया ना सर, लेकिन कई कंपनीज ऐसी हैं जो बच्चों एक्सपीरियंस लेना ही चाहती है, जैसे कि जो सिस्टम ट्रेनिंग होती है या तो सिफारिश लगती है सर, ये अगर हम जैसे चले आते हैं लेटर ले कॉलेज का कि हमको ट्रेनिंग चाहिए, वो देते ही नहीं, वो बुलाते ही नहीं, क्यों देगा कोई सर, फिर वो जो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप एक इंडस्ट्री चला रहे हो, ठीक है सर, मैं आपके पास ट्रेनिंग के लिए आता हूँ, क्या आप मेरे को कह दो कि आपको सीख लो या आगे? नहीं सर फिर वो नहीं, हां सर वो बात ठीक है, ये बिजनेस मैन है यार, वो उसका फंडा बिल्कुल अलग है, लेकिन सर वो बड़ा रूथलेस है, वो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, लेकिन सर जो लेटर दिया हम कॉलेज से फायदा क्या सर, हम वो सर कॉलेज फीस ले ली हमसे, उस मंथ उस सेमेस्टर की फीस भी ले ली, हमको लेटर दे दिया, अब उस लेटर का वैल्यू नहीं सर, लेटर की सर्टिफिकेट वैल्यू नहीं, हम जाए कहां सर, अब ये तो ना कि हर कंपनी के बाहर फिर जाके जाते हैं हम, वो भेज देंगे हमको, नहीं 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 सर ये छोड़ो सिफारिश बात आता हूं आपको सर, मैं मारुति गुड़गांव मैं वहां सिफारिश करने गया था, एचआर सर ने मुझे 9 घंटे तक बिठा के रखा, मुझे फिर भी नहीं बुलाया सर, सर ये सब फिर बंदा नहीं, देखो एक्सक्यूज कहां से देगा बंदा सर, जस्ट जस्ट लिसन, ये इसमें नथिंग टू फील बैड, ये थोड़ा सा क्या है कि वी आर बिट अनलकी, रीजन बीइंग हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे ये इज अ मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, एक चीज के लिए मेरे को बल्क क्वालिटी मिल रही है, क्वांटिटी मिल रही है, और मेरे को चाहिए 2 बंदे खड़े 200, तो वहां पे सिफारिश भी करेगी काम, वहां पे पैसा भी काम करेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी बेटे मैं आपको यही कहूंगा कि इस चीज को सोच के कि जो वहां तो शुभार चल गए जी उसने, लेकिन आपको आपके पास उनके पास चॉइस है, लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं, आपको तो काम ढूंढना ही ढूंढना है, बाय दिस वे और दैट वे आपको और ट्राई करनी पड़ेगी, इसके लिए देखो फिर क्या होता है जैसे आप इंस्टीट्यूट में आए और भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, जब वो आपको ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करते हैं बड़े रोजी पिक्चर दिखाते हैं कि जो वो ये भी हो जाएगा ये वो भी हो जाएगा, जैसे पैसे आएंगे फिर थोड़ा सा सब चीजें डाइल्यूट होनी शुरू हो जाती है, इट्स अ हार्ड फैक्ट,
बड़े 34 में भरा पड़ा है, ठीक है, और लोग भी बेचारे कहते हैं यार क्या करें क्या करेंगे, पैसे भी दे दिए, कोई सिखाया भी नहीं जा रहा, ढंग से अटेंड भी नहीं किया जा रहा, ठीक है। अब मेरी गलती क्या है कि मैंने गलत इंस्टीट्यूट को चूज कर लिया। फिर जब इंस्टीट्यूट ने मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी दी कि अब वहाँ बुला जगह चले गए, वहाँ पर मेरी उनसे बात हो गई है, दे विल एंटरटेन यू, बाकी मैं उनसे हिसाब तक कर लूँगा जो भी है, आपको वो लोग ट्रेनिंग देने के लिए एग्री कर लेंगे। अब वहाँ पे आप जाके क्या सीखना चाहते हो, सीखना चाहते हो नहीं जाना सीखना चाहते, या आपको लगता हो सौ तो दूर बहुत है जी। अब मैं आपको बोलूँ कि चनावों में फैक्ट्री है, 250 बंदे काम करते हैं, जो प्रोडक्ट वहाँ पे बनी नहीं की फैक्ट्री जो है चनावों में, चनावों आपको पता है रोपड़ के रास्ते में आती है, ठीक है, 250 बंदा काम करता है, और प्रोडक्ट जो है यहाँ से बन के इंग्लैंड का ठप्पा लग के इंग्लैंड जाता है, इंग्लैंड से फिर उसको यूरोप में सप्लाई किया जाता है। अब कहते हैं हम आपको ट्रेनिंग वहाँ दिलवा रहे थे, अब मैं लोगों को वहाँ ले भी जाऊँ तो अब सर दिल्ली यहाँ पे कौन आएगा जी, ये तो आने जाने में मेरे 50 रुपये ट्रेनिंग खर्चा हो जाएंगे जी, हैं 1500 रुपये और नया खर्चा शुरू हो गया। मेरे को तो जी मोहाली में ही चाहिए, मोहाली में हर कोई तैयार नहीं होता, ठीक है। दिक्कत एक बॉटल नेक्स है, इसमें मैं कोई आपसे दो राय नहीं रखता, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ सोर्सेज होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा चुकने रहना पड़ता है, आपको चुकने ऐसे नहीं, आपको बहुत से जॉब कंसल्टेंट मिल जाएंगे, बीच में दो नंबर के धंधा करने वाले भी हैं, बीच में जनरल भी हैं, ये आपकी समझ है कि आपने जनरल की सिलेक्शन कैसे करनी है। आप इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले आए हो, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो जेन्युइनली आपको ट्रेनिंग दे रहा है, तो यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन दैट, ठीक है। तो अगर आप चीजें मतलब ये स्टेप्स हैं, आपने सही स्टेप पे चलते हो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, एक स्टेप गलत लिया फिर फर्स्ट स्टेज पे आ रहे हो, फिर आपको वही एफर्ट दोबारा से करना पड़ेगा। छोटा सा दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि थोड़ी सीरियसनेस ले, किसी नॉर्मली मैं देखता हूँ बच्चे जो है ना अपने फ्रेंडली सर्कल, जैसे मेरा एक सर्कल है उसमें 8-9 लोगों का एक ग्रुप है, मतलब एक ट्रेनिंग आ गई भाई, बिना आया ट्रेनिंग आ गई कितने करेगा वो, मैं था चौथे जगह आया, उधर बड़े मजे आए, वो ऊपर कुड़िया स्कटा पा के जा रही होंगी उधर चल रही है, वो है ना उसे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, अगर आपको वो चीज अच्छी लगती है तो देन डोंट फॉरगेट अबाउट द जॉब, अगर आपको आपकी जॉब से देन फॉरगेट अबाउट दैट, आपको दोनों में से एक चीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, 34 और ए रियल वर्किंग कंपनी, रियल कंपनी में आपको सफर करना पड़ेगा, दूर भी जाना पड़ेगा, वहां पे अनरोमांटिक है, वहां पे रोमांटिक कुछ नहीं है, वहां तो मशीनों की धड़ाधड़ गर्मी भी लग रही है, धूप भी पड़ रही है, मशीनों की ठक भी है, और वहां पे बढ़िया म्यूजिक भी है, कॉफी भी है, सब कुछ है। अब आपको दो रास्ते हैं, विच वन यू सेलेक्ट इट इज अप टू यू, शॉर्टकट देखो दोस्तों, शॉर्टकट का तो मैंने यही है कि देन आगे डिपेंड्स के क्या आपका हशर होने वाला है, जो उस बच्चा मेहनती है, मेरे पास रोज कॉल आते हैं, हमें जी क्वालिटी इंजीनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर चाहिए, हमें प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए बंदा चाहिए, हमें 4 इंजीनियर चाहिए, बच्चों में तो सर दूर बहुत है। अभी मेरे को कल किसी को मैंने फोन किया यार बंदा चाहिए वहाँ पे, तो सर 8 फेज बड़ा दूर पड़ेगा जी, कोई चंडीगढ़ जिला लो, अब यानी मैं उसको नौकर लगा हुआ हूँ, उसको जॉब ढूंढने के लिए मैं चंडीगढ़ में लोगों के पास जाके पूछूँ कि भैया यहाँ पे जॉब है, आप आ जाओ बैठ जाओ, आपके लिए धूप बत्ती कर रही है, जाके पूछे बोले जिस बंदे को 8 फेज दूर लगता है क्या वो जॉब करेगा। तो ये दीज आर द बॉटलनेक्स, ये खुद आपके खुद के बनाए हुए हैं, इसमें ना तो बुढ़ाने जी आप ये मदद कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ ना कोई और कर सकता है,
ये फैसले आपको खुद करने पड़ेंगे कि क्या आई एम रेडी फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क शुरू कर दो, स्मार्ट वर्क अपने आप आ जाए, और आई एम रेडी फॉर शॉर्टकट्स ओनली, सिंपल। ओके, एनीबॉडी एल्स? सर आपने कंपनी में डाल दी, कंपनी में बताया, दिस दे आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर इंडियन रेलवेज और ट्रैक्टर पार्ट्स भी बनाते हैं, ठीक है सर। कितने एरिया जी, एरिया के मशीन डाल दो सर, कौन कौन सी मशीन है? देखो मशीनें यहाँ पे अभी आपको मैं बताऊँ, आपको ये मैं बता दूंगा कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, दो ग्राम की फैक्ट्री है, ठीक है। काम बिल्कुल रफ टफ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, और शो बिजनेस कुछ नहीं है, दिखावा नहीं है। तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर मशीनें लगी हुई हैं, नथिंग, इट्स ए प्योर हार्ड वर्क जॉब। लेकिन वंस यू पास पाँच दिन, दस दिन, पंद्रह दिन वहाँ पे जाके उस प्रोसेस को समझ लोगे और अपने दिमाग में बिठा लोगे, बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। आपको पूरी इंडस्ट्री का जो एक सर्कल होता है ना, फ्रॉम पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। आपको कोई इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, मोर और लेस यू कैन सेटिस्फाई हिम कि व्हाट इज इंडस्ट्री, ठीक है। इतना कुछ अगर फ्रेशर को पता है तो आई थिंक इट विल बी सफिशिएंट। बाकी मैं आपको घूमूंगा जी वहाँ पे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको पूरा बिठा देंगे जाके, नहीं, ढूंढना आपको है, करना आपको है। वहाँ भी क्योंकि मेरा जो पास एक्सपीरियंस है, हमने बड़ी कोशिश की, बच्चे आए, अटेंडेंस लगाए, वो गेट पे अटेंडेंस लगा के चलो, आना नहीं, टाइम पे नहीं आना, अगर आ गए तो सीखना नहीं है, बड़ी धूप है जी बाहर, तो काम तो देखो बेटे ऐसे होते हैं। अगर आप जो फौजी होते हैं ना, फौजी जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो अभी किसी से पूछ के देख लेना कि कितनी कितनी टफ लाइफ होती है, और लेकिन वो फिर एक बार ऐसे डिसिप्लिन बन जाते हैं कि 200 बंदों में अगर दो फौजी बैठे होंगे आप दूर से पहचानोगे कि वो बंदे डिफेंस ने, तो एक अच्छे बंदे की पहचान, उसने हार्ड वर्क कर लिया, देख लिया, गुड है ना। क्योंकि जो जो ऐसे इन्होंने क्वेश्चन पूछे ना, अभी भी जो दिमाग में हो गया है, बहुत बड़ा एक कन्वेंस है, उसमें बहुत बड़ी फैक्ट्री की फोटो लगी हुई है, वहाँ पे मैं सीखने जाऊँगा। और बोलिए जी, देखो ये हार्ड कोर स्टील होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखो स्टील भी कम से कम आपने आपने को कहने को लोहा होता है, ठीक है। यू एज एन इंजीनियर यू कैन टेल मी बेटर के हाउ मेनी क्वालिटीज ऑफ आयरन और स्टील आर देयर, कम से कम 200-300 किस्म का लोहा होता है, ठीक है, मोर देन दैट इवन। जापान के पास कुछ भी नहीं है, अपने उनके पास जो मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं, कुछ नहीं है, वो इंडिया से स्टील इंपोर्ट करता है, उसी स्टील को सुपरफाइन बना के यहाँ से 20 रुपए किलो खरीदता है, हमें 20,000 किलो का बना के भेज देता है, ठीक है, और हम खरीदते हैं। वही चीज है, उसे इतनी इतनी इंपोर्ट डालता है उसमें, उसको सुपर बैंक बना के, मारुति कंपनी है, मारुति ये जापान का प्रोडक्ट है, ठीक है, अभी तो इंडिया में बनने शुरू हो गई, बट बेसिकली मारुति सुजुकी जो सुजुकी कंपनी इज ए जापानीज कंपनी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन जापान, तो जापान के पास रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं है, कहाँ से खरीदता है वो स्टील वगैरह, वही जो कार इंडिया में, अब इंडिया से क्यों बनाना शुरू करें कि पहले यहाँ से वहां लेके जाता हूँ, वहां से फिर भेजता हूँ, कॉस्ट बढ़ जाती है, यही प्लान लगा देते हैं, उसको आने जाने का खर्चा बच गया, और लोगों को रोजगार मिल गया, हमारे हिंदू सोने का अवेलेबल है, लोगों को इतना रोजगार मिल गया, ठीक है। तो थोड़ा सा यही यही चीज है, आपको इनपुट्स
دینے کے لیے کہ میں مالک کو کیسے کنوینس کروں کہ وہ میرے کو رکھنے کے لیے اتاول ہوں. بس کیونکہ انجینئرز نے اپنے بارے میں جو امپریشن بنا لیا ہے وہ بڑا غلط ہے. سر وہ بنا نہیں دیا, بن گیا سر وہ, کیا کر سکتا. نہیں نہیں بیٹے دیکھو, ایک بڑا موٹے طور پہ یہ کہہ دیا انجینئر ہے یا میں نے ڈپلوما ہولڈر ہے. کیونکہ ڈپلوما ہولڈر کیوں ہے, وہ بےچارا اس کے دونوں لیول ہیں, وہ انجینئر کا کام بھی کر سکتا ہے, وہ آئی ٹی آئی کا کام بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب ریئلٹی میں دیکھو ہماری بدقسمتی, میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری بدقسمتی کیا ہے. ہمارے دیش کے جو پولیٹیشینز ہیں یہ کیا سوچ کے کام کرتے ہیں, یو ول بی امیزڈ ٹو لسن. انڈیا میں اگر 100 آئی ٹی آئی بچوں کی ضرورت ہے, 100 آئی ٹی آئی, 10 ڈپلوما ہولڈر چاہیے, ایک انجینئر چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن کام الٹا ہو رہا ہے, 100 انجینئرز ہیں, ڈپلوما ہولڈرز بھی مور دین 70 آئی ٹی آئی ملتے ہیں. میں روتی کہتے جتنے مرضی یہاں موہالی میں پیپل کالرس کے بندے چاہیے, آئی ٹی آئی بندے چاہیے, جتنا مرضی فون کرو تو پہلے لگ گئے جی. ہائیلی سیلیبل جو پروڈکٹ آج آئی ٹی آئی میں چل رہا ہے وہ آلریڈی انگیج ہو چکا ہے. مروتی نے اپنے انسٹیٹیوٹ کو دیا کہ پیسہ دیتے ان کو کہ آپ چلاؤ بندے ٹرین کرو ہمیں دے دو, لیکن ہماری سرکار کالج تو یہ تھوڑا سا ہماری پلاننگ جو ہے وہ تھوڑا سا گڑبڑائی ہوئی ہے. اس جو ریئلٹی ہے اگر دیکھو گے تو آپ سوچو گے بھائی کچھ اور ہی ہوگا. اب انجینئر ہے بیچارا وہ نیچے آ نہیں سکتا کیونکہ وہ کہتے میں لیبر کا کام نہیں کروں. بھائی انڈسٹری کہتے کہ میرے پاس آؤ گے تو میرے کو تو دیکھو سب کچھ کرنا پڑے گا, آپ کو اسکوٹر اٹھا کے بیگ بھی بھیج دوں گا, آپ کو میٹیریل لینے بھی جانا پڑے گا, ورکر نہیں آیا اس کی جگہ پہ آ کے مشین کو بھی آپریٹ کرنا پڑے گا کیونکہ میرے پاس تو ایسے ہی کام ہوتے ہیں. آر یو ریڈی؟ ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو اس کے پاس آپشنس ہیں. ای کے رپورٹ 400 روپئے پہ بنا لے گا, وہ اس کو کوئی دقت نہیں. اتنے چار سو انجینئرنگ دماغ گھوم رہے, دوپہر کو لنچ کرنے کے بعد لوگوں نے لائٹیں آن کی ہوئی ہیں, سبھی چھوڑ گئے, پکے بھی چل رہے ہیں, کولر بھی چل رہے ہیں, اے سی بھی چل رہے ہیں. نو یو تھنک یو دس از ویسٹ آف منی. آپ اپلائی کے بعد جلدی کر رہے ہیں, میں آج دوپہر نکلا تو دیکھا کیونکہ بیٹا کون منع کرتا ہے. آپ نے کیا کیا, کمپیوٹر پہ بیٹھے ایک چھوٹا سا پیپر بنایا کہ لنچ کے ٹائم پکھا کولر اور یہ بند کر دو, اے سی بند کر دو. دس از یور انجینئر, کسی کے دماغ میں چیز نہیں آئی. آپ بیکاز یو آر کوالیفائڈ انجینئر, آپ کو کمپیوٹر کی نالج ہے, آپ کو پتا پرنٹ کیسے نکلنا ہے. آپ نے اٹھائے 10 جگہ پہ لگا دیے کمپنی کا, اتنے میں ہی 2 لاکھ روپئے مہینے کا پیدا ہو گیا. تو جو ایک انجینئر امپلائر کو 2 لاکھ روپئے بچا کے دیتا ہے, تو اگر امپلائر اس کے 2000 روپئے مہینہ ہے 3000 روپئے بڑھا دیتا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کو 2-3 ہزار روپئے اور اچھا کام کرے کہ پانی کی ویسٹیج ہو رہی ہے, کہیں پہ کیمیکل زیادہ لگ رہے ہیں, کہیں پہ جو ویسٹیج ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. دیکھو آپ کو میں بتاتا ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے ایک بڑا کوالیفائڈ انجینئر, لسن ناؤ, اٹس اے ویری لرننگ فار یو. ٹھیک ہے, کوئی اپنے پاس ہوئے گا مارکر ہے, اس کو کر دو اوپر. دیکھو واٹ از انجینئرنگ, میں آپ کو اس کو تھوڑا اوپر ہی کروں گا.
ये स्ट्रिप है, दिस इज अ कॉपर, ठीक है, कॉपर की स्ट्रिप है। अब हमने एक इंजीनियर हायर किया, उसने स्टडी किया सारा, अब मेरे पास आया वर्षो सर आपसे बात करते, मैं उसको बहुत मोटिवेट करता था कि यार तू इंजीनियर है, लगे कि भी हमारे इंजीनियर वर्षो साहब ने रखा है, वो अपनी वर्थ भी है उसकी। तो कहने लगा सर एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी, बोलो मेरे को आपसे कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर काम करना, बोलो क्या। सर ये जो स्ट्रिप है, जब हम इसको इसमें ऐसे हम निकालते थे, ऊपर से मशीन पंच मारते थे इतनी सी, आपने देखा मैं लेफ्ट देखा कभी घरों में जो लेफ्ट हम चलाते उसके पीछे पित्तल की दो आईज लगी होती है ना, जब वो होल्डर में लगाते हैं ना पित्तल की दो आईज लगी होती है, वो कॉपर की होती है ना, ठीक है। तो वो यहाँ पे वो पंच बजता था, यहाँ से निकल के मशीन के ऊपर वो कैप के ऊपर लग जाता, ठीक है। कॉपर इज एक कॉस्टली, तो इसमें जैसे ये बना ये बना ये बना, इसमें थोड़ा गैप था, क्या बात रही, अगर नहीं इंटरेस्टेड यू कैन गो, जरूरी नहीं यहां पर। तो व्हाट वाज आवर सिस्टम, वी वर पंचिंग लाइक दिस, मान लो हमने 2 फुट की चेन थी, स्ट्रिप थी, उसमें से 500 आईज निकाल दी, राइट। अब इंजीनियरिंग दिमाग देखो, उसने बोला कि सर ये जो गैप है इसको अगर हम रिड्यूस कर देते हैं, राइट, इस गैप को रिड्यूस करने से उसी डिस्टेंस में से 600 आईज निकल, राइट। तो हमने प्रोडक्शन हेड को बुलाया कि भी ऐसी सिचुएशन है, वो लोग वो मैं 32 ईयर एक्सपीरियंस मिस्टर रेडी थे हमारे, बड़ा धनसू अपने आप को सोचता था कि ही इज फादर ऑफ कैप, जो एल्युमिनियम कैप रखती है ना लैंप के ऊपर, वो कहता था कि ये डिजाइन इंडिया में मैंने किया, इतना बिग शॉट उसको लगा यार ये बच्चा कल का, और मेरे को समझा रहा उन्होंने नहीं ऐसे नहीं सोचा ऐसे नहीं। तो मेरे को अंडर प्रेशर उसको बाईपास करके चेयरमैन के पास जाना पड़ा कि सर देर इज इंजीनियर, उसको हमने हायर किया है, वो बच्चे ने एक अच्छी हमें सजेशन दी है, तो चेयरमैन कहता बुलाओ यार उसको, रेड्डी जी को भी बुलाओ, पहले उसने उसे समझा फिर उसने रेड्डी जी को बुलाया, तब रेड्डी जी थोड़ा सा देखते करते जी करते हैं, तो फाइनली ये 600 निकलने शुरू हो गए, ठीक है। अब मान लो 1 किलो में से निकल सकती 500 पर डे, हमारा 50 किलो मटेरियल यूज कर रहा है, ठीक है। तो हमें 100 आईज हमारे एक वन शिफ्ट में एक्स्ट्रा निकलनी शुरू, ठीक है। कितने मेटेरियल बच गए, 50 किलो दिन 100 kg हमारा पर डे मेटेरियल कम यूज होने लगे। अगर मान लो 500 रुपए किलो है ये, तो यू कैन 50,000 रुपए महीने पर डे 8 घंटे की शिफ्ट का एक इंजीनियर के कहने से, और मेरे यहाँ कितना गया 15,000। जॉब दे दो जी, मैं गरीब हूँ जी, मेरे परिवार में कौन कोई नहीं सुनेगा, nobody is ready to listen। किसी को आपके
मजबूरियों से कोई वास्ता नहीं दोस्त, अगर है तो आपकी स्किल से है, वो आपको एक्वायर करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज देयर इज नो शॉर्टकट। ठीक है, दिस इज छोटी सी चीज है, किसी के दिमाग में नहीं है, पता नहीं कितनी देर से इंडस्ट्री चल रही है, चल रही है वो बंदे ने बच्चे ने सोचा कि माई जॉब इज टू कट कॉस्ट। मैंने उसको बोला कि भैया तू इंजीनियर है, मैं तेरे को दो तीन प्रोजेक्ट दे रहा हूँ एंड डेली मेरे पास आना है, बताना कि आज क्या हो। तो आई पुट सम प्रेशर एंड ही वॉज गिवन अपॉर्चुनिटी कि आप जाओ, जाओ मर्जी घूमो, मशीनें पूरी पड़ी हैं, आप कहीं भी मशीन पे खड़े हो जाओ जाके, नो बडी विल ऑब्जेक्ट यू, बट आई वॉन्ट शर्ट्स एंड दी 15 लाख रुपए एक बंदे ने कमा के दे दी, इसको अगर हम 10,000 से इसको 20,000 भी दे देंगे, 30,000 कल को हम कहेंगे यार यू विल बी अवर नेक्स्ट प्रोडक्शन हेड। तो ये चीजें होती हैं, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। दोस्तों बहुत जरूरत है, छोटे छोटे फैक्ट्रियों में इतने काम है क्योंकि लोगों को एक आदत है एक सेट पैटर्न में काम करने की, वो उससे हटना नहीं चाहते। एक इंजीनियर उनको थोड़ा सा उनके बैट ऑफ माइंड को चेंज कर सकता है विद हिज क्वालिफिकेशंस, विद हिज एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कैलकुलेट करके बोलो भाई ये मैंने आपको कॉस्ट नहीं करके दे दी, इसमें 5-10 पैसे हो सकते ज्यादा नहीं, ये 65 के 65 से वो कहाँ भी लाया 52 पे लिया 13 रुपए उसने, और मान लो तो जब कोटेशन जाएगी आप एज ए लेमैन बता सकते हो कि 65 रुपए वाले को सिलेक्ट करें या 2,000 रुपए वाले को सिलेक्ट करें, किसको करेगा? फिर इंजीनियर ने क्या किया, उसको एक बड़ा अच्छा ऑफर लाके सो इसलिए नथिंग टू फील कि भी कुछ नहीं है, बहुत मोहाली में बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा लोगों को पेशेंस से आपको भी सुनना पड़ेगा और आपको लोगों को अपनी स्किल के बारे में बताना पड़ेगा। डुगु डुगी भी जाने जैसे मदारी बैठता ना अपना बताता कि मेरे को ये स्किल है, आपको बताना पड़ेगा, लेकिन बताएगा कौन अगर कुछ पले है। ओके आई थिंक आई हैव टेकन सफिशिएंट टाइम, डिपेंड्स कि आपके ऊपर इसका क्या इफेक्ट आता है नहीं आता। ओके थैंक यू सर। ओके।